फर्स्ट क्वेश्चन पास्ट पेपर में काफी दफा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। सबसे पहली बात, हमारे पास बफर सोल्यूशन होता है क्या, डेफिनेशन इसकी लिखो। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, डेफिनेशन। अब कहता है द सोल्यूशन, द सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन विच रिस्ट्रिक्ट या रिजिस्ट कह सकते हैं, विच रिजिस्ट, रिजिस्ट का मतलब होता है मुजाहमत करना, क्या करना, मुजाहमत करना या रोकना, या रोकना के लफ्ज में आएगा, विच रिजिस्ट टू चेंज इन देयर पीएच, टू चेंज इन देयर पीएच, जो अपने पीएच में तब्दीली की मजाहमत करता है, रोकता है, इन देयर पीएच व्हेन, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, जब थोड़ी सी मिकदार में एसिड और बेस या फिर बेस को ऐड किया जाए, बेस इज एडेड, इज एडेड, इसको हम नाम देते हैं, इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम नाम दे रहे होते हैं बफर सॉल्यूशन का। आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको ये चीज़ का अंदाज़ा लग जाएगा। कहता आप पानी का ग्लास लो, इसको बेशक एग्जाम में लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। एक पानी का हमने ग्लास लिया है, इसको हाफ तक कर लो यहाँ तक। अब इसके अंदर ना सिर्फ देखो, नॉर्मल पानी की पीएच कितनी होती है, 7। अब आपने क्या करना है, इसमें एक या दो ड्रॉप डाल दो NaOH के, सिर्फ दो ड्रॉप किसके डाल दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के डाल दो। अब जैसे दो ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के डालोगे ना, इसकी पीएच 7 से 12 पे पहुंच जाएगी, क्या होगी, 7 से 12 पे पहुंच जाती है। अब कितनी पीएच में चेंज आया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 दर्जे पीएच का चेंज आया, सही। अगर आप इसी की जगह पे बफर सॉल्यूशन ले लो, आप ये पानी ना लो, बफर सॉल्यूशन ले लो, ये मेरे पास बफर सॉल्यूशन आ गया। अब इसके अंदर सेम काम करो, मैं कहता हूं सपोज के बफर सॉल्यूशन की पीएच भी हमारे पास क्या है, 7 है, सेम काम करो, दो ड्रॉप इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के डाल दूं। जब आप दो ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड के डालोगे ना, इसकी पीएच 7.5 या फिर 7.40 या फिर 7.80 तक जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। ये होता है कि हमारे पास अब बेस या एसिड तो डाल रहे हो, लेकिन कोशिश कर रहा है कि अपने पीएच चेंज नहीं होने दे रहा, तकरीबन 7 तक ही रख रहा है। इस चीज को हम नाम देते हैं बफर सॉल्यूशन का। अच्छा, बफर सॉल्यूशन के ना इस्तेमालात देख लो, कहां कहां पे इस्तेमाल हो रहा है। हमें सबसे पहले मेन चीज होती है इस्तेमाल। अब जब जमीन के अंदर से बोर करके पानी निकालते हो ना जमीन से, आप उसका टेस्टिंग करवाने के लिए लैब के अंदर लेके जाते हो। अब जब लैब के अंदर पानी को लेके जा रहे हो, वाटर को, अब वाटर के अंदर असल में जो लैब के अंदर टेस्ट किया जाता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का किया जाता है, क्या पानी के अंदर कितनी मिकदार में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है। और याद रखिएगा, पानी की सॉफ्टनेस और हार्डनेस इसी की वजह से मालूम की जाती है कि कौन सा पानी सॉफ्ट है, कौन सा पानी हार्ड है। अब इस चीज़ की मिकदार को मालूम करने के लिए लैब के अंदर बफर सॉल्यूशन का होना ज़रूरी है। अब बफर सॉल्यूशन मुख्तलिफ पीएच के होते हैं, याद रखिएगा, बफर सॉल्यूशन की मुख्तलिफ पीएच हो सकती है, सही है। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए पीएच 12 का बफर चाहिए होता है, कितना है, पीएच 12 का बफर चाहिए होता है। तो हम पीएच 12 दे के इस चीज की टाइट्रेशन करवाते हैं और इसकी अमाउंट को पता करवा लेते हैं, और इस अमाउंट को पता करके हम ये बता सकते हैं आया वो पानी पीने के काबिल है, यूज के काबिल है या नहीं है। यानी हमारे लैब के अंदर ये वाली चीज इस्तेमाल हो रही होती है, केमिस्ट्री लैब के अंदर। सही, हमने कुछ अर्सा पहले ना विटामिन सी को मालूम किया था, ये ऑरेंज के अंदर जो आम जूस होता है ना, किन्नू का जूस, किन्नू का जूस निकाल के उसके अंदर विटामिन सी को मालूम किया था, उसके लिए भी हमें बफर सॉल्यूशन बनाना पड़ा। सही है, अब बफर सॉल्यूशन बनाने के बाद उसके अंदर बफर सॉल्यूशन डालते हैं, फिर उसके अंदर टाइट्रेशन करवाते हैं, फिर विटामिन सी की कंसंट्रेशन को मालूम किया था। सही है, अब देखो हमारे पास लैब के अंदर काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे वर्क काम कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल हो रहा होता है। क्या हो रहा था, ये बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल हो रहा था। अच्छा, यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, क्या आ जाएगी हमारे पास नेक्स्ट बफर सॉल्यूशन की एग्जांपल्स की हेडिंग कर लेते हैं। एक एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी मजीद हम नीचे लिख लेंगे टाइप्स में जाके।
चलो इसकी एग्जांपल सिंपल सी है हमारे पास, अ सॉल्यूशन ऑफ, एक एग्जांपल लिखो, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आया तो आपने डेफिनेशन विद एग्जांपल, अ सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH एंड CH3COON, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट इज एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर, इज एन एग्जांपल, ये असल में हमारे पास मिसाल है किस चीज़ की, एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर, ये एसिडिक बफर की एग्जांपल है, सही है, हमारे पास एग्जांपल आ गई है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है